हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरा उद्देश्य सच्ची घटनाओं को आपके साथ शेयर करके भक्ति की ओर जागृत करना है। मैं केवल वही सच्ची घटना आपके साथ शेयर करती हूँ जो वास्तव में सच्ची है। आज की जो कथा लीला है वो एक भक्त है जो बहुत ही सीधा साधा है और उसने सब कुछ अपने कार्य श्री कृष्ण लड्डू गोपाल पर ही छोड़ रखे हैं। तो चलिए कथा श्रवण करते हैं। यह सच्ची घटना कई युगों पहले की है जो आपको अचंभित कर देगी, आपको सोचने पर विवश कर देगी कि वास्तव में भगवान है। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था पर उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। पूजा पाठ के साथ साथ मजदूरी भी करता था। घर का खर्च बहुत ही मुश्किलों से चलता था। कभी कभी तो ये नौबत तक आ जाती थी कि घर के खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, तो वह व्यक्ति कर्जा लेकर खाने का सामान लेकर आता पर हर परिस्थिति में भगवान का भजन करना नहीं छोड़ता था। जब कोई व्यक्ति उससे हालचाल पूछता तो बोलता, ठाकुर जी जाने। घर के पास ही उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था और हर रोज दर्शन के लिए जाया करता था। उस व्यक्ति के दो पुत्र और एक पुत्री थे। बच्चे बड़े हुए, जब पुत्री की शादी की तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया था। धीरे धीरे दोनों पुत्र भी बड़े हो गए और कुछ कमाने भी लगे थोड़ा बहुत। कुछ समय बाद दोनों पुत्रों ने पिता को बोला, यह लो पैसे और साहूकार को देकर कर्जे से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार को कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज मुझे अपने कर्जे से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ठहरा बेईमान। तो आगे सुनिए, कथा बहुत ही अच्छी है, आप ध्यान से सुनिए। साहूकार क्या करता है? साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्ज से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? साहूकार उस गरीब व्यक्ति से पूछता है। उस गरीब व्यक्ति ने कहा, मैं तो साहब अनपढ़ हूँ, जो कुछ लिखा है वह तो ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि यह व्यक्ति बहुत सीधा है। उनके मन में लोभ आया, साहूकार के मन में लोभ आ जाता है। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर एक गिलास मेरे लिए पानी ले आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक दूसरी पर्ची पर लिख दिया कि अभी तेरा मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने के लिए उसके घर पर गया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात गलत है, मैंने आपको पैसा दे दिया था। मामला कोर्ट में चला गया। फिर काफ़ी जद्दोजहद हुई उसके लिए, पर फिर रफा दफा ना होने के कारण केस कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जाने कि मैंने आपको पैसे दे दिए हैं। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसे देते देखा हो? उसने कहा, हाँ जी है, ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है, उसे कल कोर्ट में पेश होना है, कोर्ट में आना है। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं रहता है। हाँ, यही पास में एक ठाकुर जी का मंदिर है, अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जो जोर से बोलने लगा, ठाकुर जी हाजिर हों, ठाकुर जी हाजिर हों। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन की माला पहने हुए कोर्ट में आ गया।
उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़े होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ। जज से बोला, मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है। जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते देखा था। तब ठाकुर जी ने बोला, जज साहब मेरे सामने मैं ही इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे ब्याज समेत पैसे दे दिए थे। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है, उस फाइल के 22वें पेज पर वह पर्ची रखा हुआ है जिसमें लिखा है कि यह व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया है। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए, उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब भी समझ गए कि वह वास्तव में ही ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के आज सभी मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं और अपने माथे पर उस मंदिर की मिट्टी अपने सिर पर लगाते थे और कभी भी मंदिर में बैठते नहीं थे। जज साहब क्योंकि हमने भगवान जज साहब का ये कहना था कि हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए और उस गरीब भक्त की भक्ति देखकर के भगवान जाने ठाकुर जी जाने, कोई उसके पूछने पर वो यही कहता था हर किसी व्यक्ति से, तो उसकी भक्ति भाव से भगवान प्रसन्न होकर उसके लिए कोर्ट तक आते हैं और सभी को दर्शन देते हैं और उस गरीब व्यक्ति को अपने ठाकुर जी पर पूरा अटूट विश्वास था और धीरे धीरे उस गरीब की किस्मत भी साथ देती है, परिस्थितियां सुधर जाती हैं, खुशहाली से उसका घर भर जाता है, परिवार के साथ अपना जीवन यापन करता है। यह कहानी सच्ची घटना है। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो वह जरूर आपके बुरे वक्त में काम आएंगे। कर्म अच्छे करते रहिएगा, भगवान तो बुरा वक्त ही नहीं आने देंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये सच्ची घटना आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई लड्डू गोपाल की लीला है जो आपके लड्डू गोपाल चमत्कार करते रहते हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट के ज़रिए बताइएगा, हम आपको एक लिंक भेजेंगे जिस पे आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और पास ही बेल आइकन बटन है उसे भी प्रेस कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।